दसवीं के छात्र की हत्या के मामले में आज कानपुर पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजित किया और उसमें उस गार्ड को सम्मानित किया जिसकी चुस्ती और मुस्तैदी के चक्कर में इस पूरी घटना का खुलासा हो पाया। आप देख सकते हैं हमारे साथ वो गार्ड महोदय मौजूद हैं, हाथ में पत्र लिया है, प्रशस्ति पत्र जिसमें लिखा है श्री राजेंद्र कुमार पुत्र उदय नारायण को सराहनीय कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये इसलिए कि इन्होंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस को सही जानकारी दी और अपनी मुस्तैदी के चक्कर में ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड टाइम पे खुल पाया। क्या नाम है आपका भाई? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, ये बताइए, आज पुलिस ने आपको यहाँ पर पूरी टीम के साथ सम्मानित किया है, मालाएँ पहनाई हैं, प्रशस्ति पत्र तक दिया है, किस लिए दिया है? ये हमारे काम के उसमें कि हमने जिम्मेदारी से हमने काम को निर्वाह किया, हमको भी बड़ी खुशी हुई कि हमारी जिम्मेदारी का एक हमको अच्छा से स्वागत समारोह मिला। और मैं प्रशासन का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि मदद करने पे हमको ये आज सब मिला। बताइए पूरा घटनाक्रम, बताइए कैसे आपने उस स्कूटी में जो लोग आए उनको देखा, कैसे आपने वो नंबर नोट किया, कौन थे वो, पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसे आपने पुलिस को बताया? वो बंदा 8:30 से 9 के बीच आता है, उस टाइम लाइट नहीं थी और लाइट ना होने पर वो आया, उसने गाड़ी खड़ी करी और मैं फ्लैट के ऊपर ही था तो उसके मुंह में अपना नकाब बांधा हुआ था और हेलमेट लगाया था तो मुझको वो संदेह लगा। उसने हमसे बोला कि ये लिफाफा ले लो, मनीष कनौड़िया के यहाँ दे देना। तो मैंने सरसरी नज़र से उसको नीचे से ऊपर तक देखा। इसके बाद हमने बोला कि आप ही दे आओ जाके, बोला हमको घर नहीं मालूम, तो हमने कहा नहीं आप दे आओ जाके, सेकेंड फ्लोर में है। इसके बाद वो जाता तो हमने कहा नकाब और अपना हेलमेट उतार के रख देना वहीं पर, इसके बाद गेट में एंट्री लेना। तो बोला क्यों? तो हमने क्यों नहीं जो बता रहे वो सुनो आप। तो उसने बोला अच्छा, उसने अपना उतार दिया। इसके बाद वो ऊपर जाता है जीने के रास्ते से। हमको संदेह उसके ऊपर था इसलिए हमने उसकी गाड़ी का नंबर देखना चाहा, तो गाड़ी के नंबर में आगे काली से पुता हुआ था तो हमने पीछे लिखा होगा, पीछे देखा तो कपड़ा बंधा हुआ था जो कि वो संदेह के घेरे में पूरी तरह आ चुका था। तो हमने उसका गाड़ी का कपड़ा हटाया और नंबर लिखा, इतने में वो भी ऊपर से आ चुका था जो कि देखता है और घूरते हुए चला जाता है। बस ये बताइए कि स्कूटी आपने कैसे पहचानी, जो टीचर हैं पहले बहुत समय पहले पढ़ाने आती थी? नंबर था वो नंबर ऑलरेडी टीचर ने कई साल के हिसाब से पढ़ाया वहाँ पे, तो नंबर एक दिमाग में हो जाता है कि जो लोग आते हैं परमानेंट, जो कोई गाड़ी आती तो दिमाग में नंबर चला जाता। पहचान गए थे वो टीचर की कि ये गाड़ी उनकी है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने लिखा हुआ था कि कल कोई दिक्कत हो जाए तो ये नंबर मेरे पास है। अब वो नंबर मैंने प्रशासन को दिया। प्रशासन को आपने खुद से अप्रोच किया या आपने घर वालों को जाके बताया? घर वालों को बताया हमने, घर वालों को बताया तो उनके एक मिलने वाले थे, उन्होंने वो नंबर कागज ले लिया। और इसके बाद जब प्रशासन आ गया, उसने पूछताछ करी कि वो कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने नंबर उनको दिया तो उन्होंने फिर हमसे पूछताछ चालू कर दी। आपने जो नंबर नोट किया उसके बाद टीचर तक पुलिस पहुंची और पूरे घटिया हत्याक्रम की जो खुलासा होने पाया, जो लड़का है उसकी जान नहीं बच पाई, लेकिन कम से कम जो इस पूरे का गम है कि अगर वो बच जाता तो कुछ और खुशी होती, ये सम्मान मिलता ना मिलता, लेकिन लड़का अगर होता तो आज परिवार के लिए खुशी का वो माहौल था। आखिरी सवाल, हमने देखा है बहुत से ऐसे गार्ड्स हैं या बहुत से ऐसे आपकी तरह नौकरी करते हैं, वो सिर्फ नौकरी करने के लिए करते हैं, आपने पूरा जो है अच्छे से नोट किया, सब कुछ किया, चुस्ती करी, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जो है ये फ़र्क नहीं, हर आदमी को, हर गार्ड को या हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, पालन है, और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ तक हो प्रशासन की आप मदद करें, प्रशासन आपके साथ रहेगा, किसी भी समय पर आप प्रशासन को याद करते प्रशासन आपके साथ बराबर खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी बात करने के लिए। ये थे वो गार्ड जिनकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने पाया, जान तो नहीं बच पाई बच्चे की, लेकिन अगर शायद ये ना होते तो उस लड़के की लाश तक नहीं मिलती और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा ना हो पाता। और कहीं दूर वही व्यक्ति, वही लड़का प्रभात और उसकी गर्लफ्रेंड टीचर रचिता आराम से कहीं दूर घूम रहे होते और उन माँ बाप को कभी पता न चल पाता कि उनके लड़के के साथ क्या हुआ।